चाय स्कैम, चाय मांगो कॉफी दे रही। कल्याण मुझे जय छोड़ने आया था और अभी स्टेशन पे अलाउ नहीं है, खाली यात्री जा सकता है स्टेशन पर। तो अभी जय यहाँ से लौट रहा है और अभी जय इससे पहले भी आया था और आपने देखा होगा वो ब्लॉग में, नहीं देखा तो देख लेना। और अभी मैं चलता हूँ, जय भी जा रहा है और मैं भी चलता हूँ प्लेटफॉर्म पे। और ज़्यादा समय है नहीं अभी, 15 मिनट बचा। अगर ज़्यादा यहाँ पे 15 मिनट और बचा है, बाद ट्रेन आने वाली है। तो फिर अभी मैं चलता हूँ प्लेटफॉर्म को, जय को टाटा बोलता हूँ, बाय, हैप्पी जर्नी, थैंक यू, आराम से जाना, समझा, समझ लो, गाड़ी चलाना, पहुँचने पर कॉल लगाना अपना, क्या अपनी। जैसा कि हम अभी प्लेटफॉर्म पर पहुँच गए हैं और आज की जो जर्नी होने वाली है LTT गोरखपुर स्पेशल में, और ट्रेन नंबर 01055। हमारी जर्नी का समय है वो करीब 28 घंटे का है और आजमगढ़ हमें कल 4 बजे पहुंचा देगी। और एंड तक जुड़े रहिए, अभी बहुत कुछ सस्पेंस है जो कि मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, वीडियो एंड तक देखिए, समझ में आ जाएगा। तो अभी ट्रेन में मैं बैठ चुका हूं और जो सस्पेंस था अभी आपको बताता हूं। तो विशाल बोलो, क्या हुआ? हम लोग आ पौनी से हम ट्रेन से आ रहे हैं दुरान एक्सप्रेस, और भाई लोग बढ़िया है। सस्पेंस यही था, इसको आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, गांव वाले व्लॉग में, जो कि होली में आपको डांस करते नजर आएगा विशाल। बस यही सस्पेंस, और एक सस्पेंस ये है, उसे बाद में रिवील करेंगे। तो बस वीडियो देखते रहिए और आपको व्यू दिखाता हूँ सामने का, कितना अच्छा व्यू आ रहा है अभी। हमारा फर्स्ट स्टॉप कसारा में है, वैसे तो स्टॉप नहीं है लेकिन ये रुकी है, कसारा में रुकी है, कसारा स्टेशन पे। वैसे इसका स्टॉप नहीं है लेकिन रुकी है, और ये तो हमेशा बोल रहा है मेरा फोटो खींचो, मेरा फोटो खींचो, देखो बस, और देखते रहिए आगे। तो अभी हम इगतपुरी टनल में हैं, देखिए एकदम अंधेरा अंधेरा सा है, और ये जो वीडियो शूट हो रही है ट्रेन की लाइट से हो रही है, एकदम अंधेरा, मजा आ रहा है एकदम। इसको बोलते हैं गांव में गुफा, इसको हम क्या बोलते हैं, गुफा, बम्बई का गुफा है गांव में, इसमें गांव को बोलते हैं सब। गुफा में शेर उर रहते हैं, ट्रेन से हम आ रहे हैं आज, शेर रहते हैं और क्या, शेर रहते हैं गुफा में। अभी देखिए टनल अभी बाहर आ गए, ये पीछे देखिए यही टनल थी, और ट्रेन देखिए, देखिए कैमरा है, हाँ आ गए। आप मुंबई में हो ना तो एक बार जरूर आओ यहाँ पे घूमने, बहुत अच्छी जगह है इगतपुरी। अभी हम इगतपुरी से निकल चुके हैं, तो आगे का स्टॉप नासिक है, फिर मिलते हैं नासिक में। गाइस अभी हम पहुंचे हैं नासिक में, और कल रात को मैं, मतलब आज रात को मैं सोया नहीं हूँ, मतलब सोया हूँ 4-5 घंटे की नींद लिया हूँ, पूरा नींद नहीं लिया क्योंकि जाने के एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आ रही थी, और मुझे नींद आ रही है अभी। और मैं आप सभी को बोला था कि वीडियो में सस्पेंस है, तो वीडियो में सस्पेंस ये था कि विशाल हमें मिले ट्रेन में, और एक सस्पेंस और है, तो विशाल वाला सस्पेंस हमने रिवील कर दिया, और सेकंड जो सस्पेंस है कि ट्रेन में मेरे मौसा भी बैठे हैं। हम लोग का प्लान एकदम अनएक्सपेक्टेड था, कल फ़ोन कॉल के माध्यम से पता चला कि मौसा को और विशाल को गाँव जाने का है,
तो मेरा तो पहले से ही मैं टिकट निकाल लिया था। और चलिए आप सभी को मौसा से मिलवाता हूँ। तो ये हमारे मौसा हैं। ये दिक्कत तो करना ना, चार घंटा नहीं मिलेगा बिना बैटरी का गाड़ी का कैमरा है। हाँ कैमरा वीडियो बना मतलब। अच्छा कैसे बताओ आपको कहा तू हमारे मौसा? अरे दुनिया देखा थी और कहा। अच्छा अच्छा ओ होने तो ना। ये हमारे मौसा हैं, सागंज उतरना है इनको, थाने से बैठे थे। जैसा कि आप सभी ने मौसा से मिल ही लिया, एक लाइक तो बनता है और अगर आपकी इच्छा हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना, बाकी आप सभी की मर्जी। अभी पहुंचे हैं महेजी। अभी हम लोग महेजी स्टेशन पे पहुंचे हैं और भुसावल का इंतजार है। भुसावल यहाँ से 5 किलोमीटर और है। कुछ भी अभी 5:30 बज रहा है और अभी हम हैं भुसावल में। करीब नासिक से हमें 3 घंटा 10 मिनट किसा लगा कि आए हैं। तो यहाँ पे भुसावल का एकदम मतलब भुसावल में फेमस केला ही है, तो पहले चलते केला लेते हैं। भुसावल में केले की खेती होती है, यहाँ केले के बाग लगाया जाता है। यहाँ पे केले की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है और हमें 30 रुपये दर्जन मिले हैं हमें। तो अभी हम मौसा के लिए चाय लेने जा रहे हैं, आइए हमारे साथ। चाय ले लेना। आया हूँ केला लिया हूँ, भुसावल पहुँच चुका हूँ केला लेने के लिए। भुसावल आ गया चाय इसके हम चाय मांगा कॉफी दे रही। तो अभी हम पहुँचे हैं इटारसी। इटारसी जो कि मध्य प्रदेश एमपी में है। और अभी तक तो मैं सोया ही नहीं हूँ, लेकिन अब मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। ये जो व्लॉग है 2 पार्ट में आएगा। आज का जो व्लॉग है वो पार्ट फर्स्ट है और कल पार्ट 2 शूट होगा। जिसको पार्ट 2 देखने का है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वैसे भी कर ले, क्योंकि आगे एकदम अच्छा अच्छा व्लॉग आने वाला है। और मिलते हैं फिर सुबह में।